तो स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जो कंप्लीट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन एक आपको जरूरत पड़ेगा और बन सकता है, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ बनाकर आपको दिया है। आप यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स को मैनेज कर सकते हो, फी कलेक्शन कर सकते हो, इनकम एक्सपेंस वगैरह दिखा सकते हो, अटेंडेंस देख का सिस्टम पूरा रख सकते हो, एग्जामिनेशन वाला सेक्शन रख सकते हो, एकेडमिक्स मैनेज करना है आपको उसके अंदर तो आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हो। अभी बहुत सारा जो चल रहा है प्रमोट स्टूडेंट वो सारा सेक्शन है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली आपका स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में फॉरवर्ड हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आप अपने स्टाफ को लीव अप्लाई वगैरह सारा कुछ, पेरोल ये सब सब कुछ मैनेज कर सकते हो। कम्युनिकेशन मतलब मैसेज वगैरह सारा कुछ देख सकते हो यहाँ पे। डाउनलोड सेंटर में आप अपना असाइनमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, सर्टिफिकेशन, रिपोर्ट सिस्टम वगैरह सारा कुछ। तो इस वीडियो में हम लोग एक देखने जा रहे हैं ब्रीफिंग में थोड़ा सा कि एक स्टूडेंट को अगर आप बल्क में ऐड करते हैं या फिर एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं तो उसका पासवर्ड आईडी वगैरह जनरेट कैसे होगा। आप स्टूडेंट एडमिशन में जाओगे बेसिकली, यहाँ पे कोई भी आप भर सकते हो, पूरा डिटेल आपको भरना होगा, सेव कर सकते हो यहाँ, ठीक है, सेव कर दो। या फिर आप एक इम्पोर्ट कर लो, इम्पोर्ट में आपको एक्सेल फॉर्मेट में या फिर सीएसवी फॉर्मेट में, आप सीएसवी फॉर्मेट में यहाँ पे आप अपलोड करोगे, पूरा का पूरा आपको बल्क में 100 स्टूडेंट, 200 या फिर 1000 स्टूडेंट भी ऐड हो जाएंगे। स्टूडेंट आपने ऐड कर लिया, फिर आप उसका अगर यूजर आईडी पासवर्ड स्टूडेंट को देना चाहते हो तो वो कैसे दोगे। आप लॉग इन क्रेडेंशियल्स में आप आओगे, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा आपको। यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन भी दिखेगा कि इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। अगर बल्क में ऐड किया है 1000 स्टूडेंट का, तो आप सी एस पी फाइल वगैरह निकाल कर और उसको बल्क एस एम एस या फिर कुछ भी से भी आप सेंड भी कर सकते हो। तो ये एक तो ये सेक्शन हो गया। अब दूसरे सेक्शन पे हम लोग आते हैं स्टाफ मैनेजमेंट। आपने एक स्टाफ ऐड कर रखा है यहाँ, सपोज बेसिकली ये जो वीडियो हो रहा है ये एक ट्यूटोरियल भी है कि ये सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना है बेसिक सेक्शन। अगर मान लो यहाँ पे आपने स्टाफ मैनेजमेंट में आपने एक स्टाफ ऐड कर दिया यहाँ पे। अब सर का पासवर्ड तो बाई डिफॉल्ट ईमेल पे चला जाएगा। अगर किसी कारणवश वो डिले होता है या फिर स्पैम वगैरह में चला जाता है जो कि आपको नहीं दिख पाता है, तो उसका पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करोगे। स्टार्ट डिटेल के अंदर आपने उस स्टाफ का डिटेल खोला, फिर यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज पासवर्ड का, उस पर आपको क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने डाला और यहाँ पे ये पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आप लॉग इन करोगे तो ये लॉग इन हो सकता है। तो बेसिकली और सारा फंक्शंस जो है वो हम लोग अलग अलग वीडियो में करेंगे सेपरेटली। यह एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का ट्यूटोरियल और डेमो दोनों हो गया। अगर आपको ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। धन्यवाद।